सो हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने हाफ फेस ड्रॉ कर लिया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हाफ फेस पे आपको शेडिंग लग गई होगी एंड हाफ ही हमने यहाँ पे बियर्ड बट वो कंप्लीट नहीं की थी। सो आज वाले इस वीडियो में हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं फुल फेस और हेयर, जो हेयर वाला जो हल्का सा हमें दिख रहा है वो हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, सो फर्स्टली आपको मैं यहाँ पर बता दूँ फिर से कि मैं कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मोंट आर्ट की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे शीट है ये ब्रूस्टो की 200 GSM शीट है। ओके, सो ब्रूस्टो की ब्रूस्टो की यहाँ पे शीट यूज़ कर रहा हूँ एंड मोंट आर्ट की यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेफाइट पेंसिल, ओनली ग्रेफाइट पेंसिल, कोई चारकोल यहाँ पे बीच में मिक्स नहीं है। एंड लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे जो आउटलाइन वगैरह दी थी वो मैकेनिकल पेंसिल के साथ दी थी। अगर आपने वीडियोस नहीं चेक किए तो जाकर आप चेक कर सकते हो, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे बियर्ड पे फर्स्ट लेयर दूंगा। बियर्ड पे फर्स्ट लेयर देने के लिए मैं यहाँ पे ओनली बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो बी पेंसिल की हेल्प से मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ बियर्ड के ऊपर। एंड यहाँ पे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। डायरेक्शंस अगर हम सही रखेंगे तो बियर्ड एकदम एग्जैक्ट ही आने वाली है। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं लगानी है, यहाँ पे रैंडमली हमें रखनी है, थोड़ी कर्व लाइन लेकर जानी है, लाइक एस की फॉर्म में। प्रॉपर एस नहीं होना चाहिए, वो लेंथी वाइज एस होना चाहिए, मतलब राउंड में भी आप बोल सकते हो, बट आपको स्ट्रेट नहीं रखनी है, क्योंकि बिल्कुल आप स्ट्रेट रखोगे तो वो बियर्ड नहीं लगेगी। सो यहाँ पर एक लेयर हमारी कंप्लीट है बियर्ड की। सो नेक्स्ट यहाँ पे हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे हम मेकअप ब्रश का यूज़ करने वाला हूँ। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो हम यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करके, मतलब कि 5B पेंसिल, 6B पेंसिल ले सकते हो। यहाँ पर मैं 5B पेंसिल लूँगा। 5B ग्रेड की पेंसिल से मैं यहाँ पर अगेन ऐसे ही लेयर दूँगा इसके ऊपर, फिर उसको अगेन हम ब्लेंड करेंगे डार्क करने के लिए। सो बियर्ड के नीचे वाले पार्ट में देख सकते हो जहाँ पे हमें जो चिन पार्ट दिखाई दे रहा है, तो उसमें हल्की हल्की शेडिंग की है मैंने पेंसिल के साथ। एंड यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल के साथ मैं हल्का हल्का बियर्ड का लुक दे रहा हूँ, बिल्कुल लाइट बियर्ड का, जो कि फेस पे मर्ज होगी। अभी हमने शेडिंग भी करनी है तो शेडिंग के साथ हम इक्वली इसको मर्ज करेंगे, बिल्कुल अलग नहीं लगेगी। अभी तक तो ये बिल्कुल अलग लग रही है, क्योंकि अभी पेपर बिल्कुल उस पर शेड नहीं किया हुआ है बियर्ड के ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे मैंने पहले बियर्ड इसलिए बनाई ताकि शेड करना काफ़ी इजी रहता है एंड बैलेंस बनाना काफ़ी इजी रहेगा डार्क और लाइट में। सो नेक्स्ट यहाँ पे शेडिंग ही करते हैं। एंड शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 2H पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, 2H पेंसिल। और डार्क के लिए यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें भी HB लेड ही है, या सिंपल कोई HB पेंसिल का या B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं डार्क के लिए, डार्क शेडिंग के लिए। और उसके बाद ब्लेंड करेंगे हम मेकअप ब्रश के साथ ही, जो ब्रश हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं।
एंड इसके साथ साथ फेस पर भी मैंने लाइट लाइट शेडिंग की है जहाँ पे मुझे लगा कि शेडिंग और हो सकती है। सो सिंपली डायरेक्ट ब्रश के साथ मैं यहाँ पे फोरहेड पर शेड दे रहा हूँ। यहाँ पे हल्का हल्का पेंसिल का यूज़ करके भी शेड देंगे, या अगर आपके ब्रश के साथ ग्रेफाइट ऑलरेडी लगा हुआ है एंड आप स्मूथ शेड लगा सकते हो तो आप डायरेक्टली ब्रश का यूज़ कर सकते हो। बट एक्सप्रेशंस के लिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आईब्रोज़, एक आईज़ के ऊपर अगर हम देखें फोरहेड के ऊपर एक्सप्रेशंस काफ़ी मैटर रखते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। हल्का हल्का शेड दूंगा ऊपर से ताकि वो एक्सप्रेशंस लगें। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था साथ साथ मिस्टेक भी हम सही करते जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे लिप्स में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। जो नीचे अब वाले लिप्स हैं वो मुझे ज़्यादा मोटे लग रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पतला करूँगा। सो डार्क पेंसिल लेकर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि डार्क होने का काम है वहाँ पे डार्क करूँगा। सो फर्स्टली मैं यहाँ पे थोड़े सा लिप्स की शेप चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क और कर रहा हूँ ऊपर की साइड से, जैसे कि अभी आपने देखा। एंड नाउ ये बिल्कुल ओके है क्योंकि यहाँ पे शेप मुझे सही नहीं लग रही थी लिप्स की, तो यहाँ पे मैंने साथ साथ इसको सही किया। तो ऐसे ही आप भी साथ साथ इसको सही कर सकते हो। आप जैसे जैसे कोई भी पार्ट पर आओगे आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ पे हमने गलती की है। एंड यहाँ पे बीच में साथ साथ जहाँ पे बीयर्ड डार्क होने वाली वो मैं साथ साथ डार्क कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट अप हमारा रहेगा हाइलाइट का। एंड हाइलाइट क्या मतलब कि वाइट हेयर्स का। यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में हल्के हल्के वाइट हेयर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टोम्बो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। कुछ कुछ पार्ट पे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वाइट हैं हल्के से हेयर्स, तो कुछ थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा वाइट हेयर्स का एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये रियलिस्टिक लगेगा। तो यहाँ पे मैं टोम्बो इरेज़र की हेल्प से, टोम्बो इरेज़र को सबसे पहले अच्छे से एजेस से कट कर लेना, तो ही आप एग्जैक्ट वो बिल्कुल बारीक से हेयर ड्रॉ कर पाओगे। सो नाउ यहाँ पे जो नेक है उसको हम शेड दे देते हैं, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क करते हैं, जहाँ पे मतलब जो टोन्स दिखा रही है वैसे हमें टोन वहाँ पे देनी है। सो जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी देखा होगा आपने कि इससे पहले कि मैंने बियर्ड्स में एंड मसैचेज़ में भी डार्क किया है, तो वहाँ पे डार्क की जरूरत थी तो इसलिए मैंने डार्क किया है। तो ऐसे ही आपको बार बार चेक करना है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बैलेंस सही नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा और डार्क या लाइट करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हेयर। एंड हेयर के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5B पेंसिल यूज़ करूँगा। आप 5B या 6B या 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ओनली एक ही लेयर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एंड देन ब्लेंड करूँगा। तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही पेंसिल को यूज़ करना है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही पेंसिल को यूज़ करना है।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश लेकर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि शेडिंग अभी पेंडिंग है, मतलब ब्लेंड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे मैं ब्लेंड करूँगा। एंड जो जो मुझे यहाँ पे मिस्टेक नज़र आएगी वो साथ साथ मिस्टेक निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी फिनिशिंग देनी बाकी है, टीथ वाले पार्ट में फिनिशिंग अभी देनी बाकी है एंड उसको हम देखेंगे। एंड हल्का हल्का शेडिंग पर भी देख के फिर हम इसको फाइनल करते हैं फेस को। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो फेस है बिल्कुल रेडी। एंड बाकी हम कल वाली वीडियो में सीखेंगे कि नेक्स्ट जो भी रहता है वो हम कैसे ड्रॉ करना है, जैसे कि ऊपर पग रहती है तो उसको हमें कैसे ड्रॉ करना है। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।